तो दोस्तों आज हम लोग एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं साउंड बार की, जो जेब्रोनिक का साउंड बार है और किस टाइप की क्वालिटी है, क्या मिलने वाला है वो इसके अंदर हम लोग है वो स्टेप बाय स्टेप वो बात करने वाले हैं। ये जेब्रोनिक का साउंड बार है 7450 प्रो 5.1। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने करके देखने वाले हैं कि क्या क्वालिटी है, किस टाइप का साउंड है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना। अब मेन बात करने वाले हैं हम लोग इस साउंड बार की। तो ये जो साउंड बार है ये आता है 75 वोट का, और जो मेन बूफर है वो आता है 65 वाट का, बाकी दो छोटे छोटे स्पीकर है वो आते हैं 35-35 वाट के। टोटल मिला के 200 वाट का है वो ये साउंड बार होने वाला है। किस टाइप की क्वालिटी है, किस टाइप का साउंड है, क्या क्या पोर्ट मिलने वाला है, सारा का सारा इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इसको और अनबॉक्स करते हैं, एक पैकिंग और आई हुई है, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो अब वो है टाइम आ गया जिसमें हम लोग साउंड बार के वो दर्शन करने वाले हैं। तो ये हमें सिस्टम मिलने वाला है। मेन बात करते हैं बार की, सबसे पहले साउंड की बूफर की बात करें तो आप बूफर है वो भी मैं आपको क्लियरली दिखा दूं कि किस टाइप का बूफर है वो हमें मिलने वाला है। तो इस टाइप का है वो बूफर हमें मिलने वाला है, जिसके अंदर एक साइड में 8 इंची स्पीकर है वो लगा हुआ है, और ये अपना भूकू जिससे आवाज़ आती है धमीर की है ना, धम धम करते हो ना, वो यहाँ से आने वाला है। बाकी इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एक पावर अडेप्टर है, कितने वोट का है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 एम्पियर का है, 48 वोट का। उसके बाद में आपको छोटे छोटे जो दो स्पीकर हमने बताए थे वो भी यहाँ पे हैं। तो ये देखिए एक ये छोटा स्पीकर है, इसकी भी किस टाइप की क्वालिटी है क्या है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है देखिए, और लुक का वो काफ़ी प्रीमियम मिलता है, ये आप कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हो दीवार के अंदर, और इस टाइप का लुक है वो मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ रबड़ के लगे हुए हैं जो आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर, सेम टू सेम यही वैसा है। अब मेन बात करते हैं बार की, तो बार के अंदर हमें क्या मिलने वाला है वो भी हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बार है वो कुछ इस टाइप का आता है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कुछ कनेक्टर मिल जाते हैं, AVI कनेक्टर मिल जाते हैं, और ये जो सब बूफर साउंड वाला है ऑक्स केबल है, USB है, आप पेन ड्राइव लगा के भी गाने वाने हैं वो सुन सकते हो, और एक यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट पोर्ट मिल जाता है HDMI पोर्ट, ठीक है। तो और ये इसका पावर है DC वाला। तो इस टाइप का लुक है वो हमें मिलने वाला है साउंड बार का, जो आप काफ़ी प्रीमियम लुक भी काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ पे भी अच्छी शाइनिंग आई है आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे वो जो दीवार पे या कहीं पे कनेक्ट कर सकते हो होल करके। उसके बाद में आपको ये तो मिल गया, ये तो आ गया आपने 75 वोट का, ये आ गया आपने 65 वोट का, और ये दोनों 35-35 वोट के ये साउंड है वो छोटे वाले आ जाते हैं। तो टोटल मिला के 200 वाट का है वो साउंड बार है वो हो जाता है। अब इसको कनेक्ट करके आपको चेक कराने वाले हैं कि इसकी क्वालिटी किस टाइप की है। एक साथ में रिमोट मिल जाता है और बाकी छोटी मोटी जो एसेसरीज है वो आपको मिल जाती है दीवार में फिट करने के लिए। रिमोट भी कुछ इस टाइप का रिमोट है जो आप देख रहे हो, बट इसमें वो 3D वाला ऑप्शन नहीं है जिसमें 3D टाइप का साउंड बन जाए। तो कुछ जेब्रोनिक के अलावा जैसे JBL के अंदर 3D वाला ऑप्शन आता है, बट इसमें 3D वाला ऑप्शन है वो नहीं है। बाकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग वो बात करने वाले हैं, तब तक मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मेन जो छोटे वाले साउंड बार वाले थे वो यहाँ पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद में अपना मेन जो बूफर है उसको कनेक्ट करना है अपने यहाँ पे, तो मेन बूफर का भी अनबॉक्स कर देते हैं। अब मेन जो बूफर है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये देखिए यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। अब अपने यहाँ पे मेन रहा DC, तो अपने को यहाँ पे DC करंट है वो देना है, और बाकी मैं अभी फोन कनेक्ट करके आपको सुनाता हूँ किस टाइप का साउंड है। देखिए किस टाइप से कनेक्ट हुआ है वो आप वीडियो के अंदर वो देख लेना। दोनों छोटे वाले साउंड यहाँ पे कनेक्ट हो गए, ये मेन बूफर हो गया, ये पावर का कनेक्टर हो गया, बाकी ये पोर्ट है वो पड़ेगी एक्स्ट्रा में। अब साउंड देखते हैं, तो इसमें आपको छोटी सी है वो यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है, आप वीडियो के अंदर दिख पा रही होगी है ना, ये अभी ब्लूटूथ मोड के अंदर है। मोड अपने यहाँ रिमोट से जो मोड है वो भी चेंज कर सकते हैं, और
यहाँ पे अलग अलग मोड है, ऑक्स मोड है, HDMI मोड है, अभी ब्लूटूथ मोड है। ब्लूटूथ मोड के अंदर हम लोग आपको साउंड है वो चेक कराने वाला हूँ कि किस टाइप की साउंड क्वालिटी है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ ब्लूटूथ में ये जो नाम आएगा इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब इसकी साउंड क्वालिटी आपको चेक कराने वाले हैं। तो मेन फोक्स है, मैं आपको साउंड पे करवा देता हूँ। साउंड है वो काफी अच्छा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, बट मीडियम साउंड क्वालिटी है इसकी। बेस है वो बिल्कुल क्लियर बेस है, बिल्कुल भी फटता नहीं है। आप इसके हाई वॉल्यूम तक चले जाओ, रेट आपको करीब करीब ऑफर में लोगे तो 7,999, विदाउट ऑफर लोगे तो करीब करीब 10,000 के आसपास है ये साउंड बार है वो पड़ने वाला है। बाकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, बाकी JBL से थोड़ी सी डाउन साउंड क्वालिटी है। बाकी जैसे साउंड का बेस होता है वो फटता नहीं, एकदम क्लियरली साउंड है जो क्लियरली एकदम साफ सुनाई देगा। धन्यवाद।